दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट गैस गीजर इन इंडिया विथ प्राइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको तीन ऐसे बेस्ट गीजर बताऊंगा, गैस गीजर बताऊंगा, जिनमें से अगर आप कोई भी गीजर खरीदते हैं तो आपका डिसीजन 100% बिल्कुल सही होगा। और साथ में वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको एक गैस गीजर लेने से पहले ध्यान में होनी ही चाहिए, और कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा गैस गीजर से रिलेटेड। अगर आप वो ध्यान में रखते हैं सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए। तो अगर आप सीरियसली गैस गीजर बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई दूसरे वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को बहुत इजी कराना है। तो अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अब बात करें गैस गीजर्स के बारे में, तो एकदम सिंपल सा बात है, इंस्टेंट गीजर भी इसे कहा जाता है, और इसमें गैस सिस्टम लगा होता है, LPG गैस से मोस्टली ये चलता है। गैस से ही हीटिंग होती है, अंदर कॉपर के ट्यूब्स होते हैं, वो हीटिंग होती है और उसमें इंस्टेंटली आपको गर्म पानी मिल जाता है। तो इसे इंस्टेंट गैस गीजर भी कहते हैं या फिर गैस गीजर भी इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कुछ बातें जो आपको जान लेनी चाहिए गैस गीजर खरीदने से पहले। सबसे पहला, उसमें लिखा होता है 6 लीटर 7 लीटर 10 लीटर, तो उसका क्या मतलब होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर 6 लीटर है तो 6 लीटर पर मिनट देगा, ये पर मिनट वाटर का आउटलेट है, इंस्टेंटली आपको वाटर मिलता है। स्टोरेज कैपेसिटी वाला ये नहीं है, आप इंस्टेंटली इसे चालू करते हैं तो 6 लीटर कंटिन्यू आपको गर्म पानी पर मिनट मिलेगा, ये उस तरह की कैलकुलेशन है। तो नॉर्मली जो इंडिया में चलते हैं 6 लीटर वाले, 7 लीटर वाले मोस्टली चलते हैं, 10 लीटर वाले अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो ही आप जा सकते हैं, लेकिन 6 और 7 लीटर वाले काफ़ी अच्छे हैं, और दोनों ही साइज़ के मैं अभी आपको रिकमेंड करने वाला हूँ टॉप 3 में। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको प्रेशर देखना होगा। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, ऊँची बिल्डिंग मालों में रहते हैं, तो 6.5 kg प्रेशर तो मिनिमम होना ही चाहिए, और 8 kg भी मिलते हैं, 8 kg भी मैं अभी रिकमेंड करूँगा, तो प्रेशर का आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, आपको थर्मोस्टेट कंट्रोल का भी ध्यान में रखना होगा। दो तरह से प्रोटेक्शन आपको मिलता है, जहाँ फ्लेम चल रही है वहाँ के थर्मोस्टेट का कंट्रोल, और वाटर हीटिंग के थर्मोस्टेट का कंट्रोल, तो ये दोनों जगह का आपको ध्यान रखना होगा। 80 डिग्री वाटर का थर्मोस्टेट होता है, उसके ऊपर अगर जाता है तो कट ऑफ हो जाना चाहिए, और अगर 180 डिग्री के ऊपर जहाँ फ्लेम चल रही है उस एरिया का टेम्परेचर जाता है तो कट ऑफ हो जाना चाहिए। दोस्तों, गैस गीजर में डबल सोलेनोइड वॉल्व आपको देखनी चाहिए। सोलेनोइड वॉल्व जो होता है वो गैस को कंट्रोल करता है, जब आप जैसे ही गीजर या फिर वाटर का आउटलेट ऑन करते हैं तो वो तुरंत इमिडिएटली जो गैस है उसको शुरुआत करता है और गैस का फ्लो मेंटेन करता है, उसका गैस का फ्लो ट्रिगर करता है। तो अगर आप डबल सोलेनोइड वॉल्व देखते हैं तो आपकी सेफ्टी डबल होने वाली है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको देखना ही चाहिए कि इसमें डबल सोलेनोइड वॉल्व है या नहीं। दोस्तों, उसके अलावा अगर बात करें तो आपको सेफ्टी प्रोटेक्शंस भी देखना चाहिए। यहाँ आपको अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं और वेरी करते हैं अलग अलग सिस्टम्स पे। चाइल्ड लॉक का प्रोटेक्शन होता है, या फिर जो बर्नर लॉक है उसका प्रोटेक्शन होता है, तो वो ईजिली मिल जाता है आपको। दूसरा, थर्मोस्टेट का प्रोटेक्शन होता है और उतने पे जाके कट ऑफ हो जाता है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। उसके अलावा फ्लेम का प्रोटेक्शन होता है, अगर फ्लेम आउट जाती है उस बर्निंग एरिया से तो भी वो कट ऑफ हो जाना चाहिए। अगर कंटिन्यू आपका बर्नर चलता है, अगर कंटिन्यू आपका गीजर चलता है, अपना टेप चालू करके भूल जाते हैं तो 20 मिनट्स के बाद में वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये फीचर है, ऐसे सेफ्टी फीचर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए आपको अगर एक गैस गीजर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, वारंटी की अगर बात करें तो 2 साल की मिनिमम वारंटी आपको देखनी ही चाहिए अगर आप एक गैस गीजर खरीदते हैं। लेकिन अगर गैस गीजर की सारी क्वालिटी अच्छी है और 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है तो भी आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉप 3 की लिस्ट में एक ऐसा गीजर है जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, उसका जो वारंटी है 1 ईयर ही मिलता है। इसके अलावा कॉपर हीट एक्सचेंजर आपको ध्यान में रखना चाहिए और वही लेना चाहिए। साथ में जो बर्नर्स होते हैं वो अगर स्टेनलेस स्टील के होते हैं तो जो पूरा का पूरा क्वालिटी है, ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं गैस गीजर के, वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। इसके साथ में आपको ब्रांड्स का भी ध्यान में रखना होगा, जो ब्रांड्स ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा, और बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, दिखने में सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने ध्यान में रखे हैं और आपके लिए मैं बेस्ट गीजर की लिस्ट प्रिपेयर की है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गैस गीजर के फायदे के बारे में। सबसे पहला जो इसका फायदा है वो ये है कि इंस्टेंटली आपको गर्मा गर्म पानी मिल जाता है, जितना आप चाहें उतना, तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है। जैसे ही आप इसे टेप ऑन करते हैं इमिडिएटली गर्मा गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती
तो इलेक्ट्रिक शॉक भी आपको नहीं लगने वाला है और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तीसरा इसका फायदा यह है कि इसके अंदर एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है, यानी कि आपने कभी गलत न्यूज़ सुन रखी होगी कि गीज़र फट गया था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वैसा इसमें नहीं होता है। और आजकल ISI स्टैंडर्ड और काफ़ी सारे स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं और सारे गीज़र ही सेफ होते हैं, क्योंकि उसमें बस्टिंग डिस्क होती है, यानी कि सेफ्टी वॉल होता है, उसके साथ में आते हैं, तो धमाके के कोई चांस वैसे होता नहीं है इलेक्ट्रिक गीज़र में भी। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट होते हैं तो आप इस टाइप के गीज़र्स पे जा सकते हैं। तो सबसे लास्ट फ़ायदा इसका ये है कि ये बजट में आपको मिल जाते हैं। अगर आपका बजट 3,500 से 5,000 के बीच में है तो बहुत बेस्ट गीज़र आप, गैस गीज़र आप सिलेक्ट कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। अब अगर बात की जाए इसके नुकसान के बारे में, इसके कॉन्स के बारे में, तो सबसे पहला इसका नुकसान ये है कि बहुत वर्स्ट के सिनारियों में जो फ्लेम्स हैं वो आउट हो सकती है, यानी कि फ्लेम बाहर की तरफ भी आ सकती है गीज़र के, लेकिन फिर भी आप सेफ रहेंगे और कंट्रोल वे में होता है और गैस फ्लेम का भी इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ होता है। जैसे ही वो बाहर आने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, वो कट ऑफ हो जाता है, तो फिर भी वर्स्ट के सिनारियो आप समझ के चलिए। और सबसे आखिरी कौन इसका ये है कि गैस ख़त्म, पैसा हजम। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपका सिलेंडर ख़त्म हो रहा है तो उसे रिफ़िल कराना होगा, और अगर आपके यहाँ फिक्स्ड गैस इंस्टॉलेशन है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका बढ़िया काम चलता रहेगा। दोस्तों, बेस्ट गैस गीजर की लिस्ट में हमने नंबर 1 पे लिया है V-Guard का ब्रायो 6 लीटर मॉडल। बहुत बढ़िया दिखता है, काफ़ी यूनिक वाइट कलर में आपको मिलता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये 2 साल की वारंटी के साथ में आपको मिलता है। ये गीज़र 3 नॉब्स के साथ में आपको मिलता है और यही 3 जो कंट्रोल वॉल्व है, ये आने वाले सारे गीज़र जो मैं बताऊंगा उसमें आपको मिलेगी। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वो समर और विंटर को कंट्रोल करने के लिए रहेगा, तो अगर आप समर में यूज़ कर रहे हैं तो समर पे सेट कर सकते हैं, अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हैं तो विंटर में सेट कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे आपको फ्लेम कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, तो जो गीज़र की फ्लेम है उसे तेज़ भी कर सकते हैं और उसे लो भी कर सकते हैं। उसी के जस्ट पास में आपको कंट्रोल वॉल्व मिलेगा जिससे आप वाटर कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 जो बटन्स हैं, ये 3 नॉब जो है, ये आपको हर गैस गीज़र में मिलने वाले हैं। अगर बात करें इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो आपको वाटर कंट्रोल ऑटोमेटिक इग्निशन सिस्टम इसमें मिलता है, तो जैसे ही आप वाटर ऑन करेंगे इसमें ऑटोमेटिकली इग्निशन ऑन हो जाएगा। एग्जॉस्ट मैकेनिज्म इसमें काफ़ी अच्छा है और साथ में इसका जो प्रेशर है वो 8 kg प्रेशर में आपको मिलता है और ये सबसे लो प्रेशर में भी काम कर लेता है, तो प्रेशर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो बहुत बढ़िया काम करेगा। कॉपर हीट एक्सचेंजर के साथ में आपको आता है, तो बहुत फास्ट पानी गर्म होता है इस टाइप के हीट एक्सचेंजर में, और SS बर्नर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। दोस्तों, इनका एक टैगलाइन है, जीरो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी एंड क्वालिटी, और काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर इसमें दिए हैं। डबल थर्मोस्टेट प्रोटेक्शन इसमें दिया है 80 डिग्री सेल्सियस पे और 180 डिग्री सेल्सियस पे। डबल सोलेनोइड वॉल्व आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फ्लेम आउट प्रोटेक्शन इसमें दिया है, तो अगर फ्लेम थोड़ा भी आउट जाता है गीज़र से तो इमीडिएटली ये कट ऑफ हो जाता है। चाइल्ड लॉक आपको इसको देखने को मिलता है। एंटी फ्रोस्ट प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस गीज़र की प्राइस रेंज के बारे में, तो इस समय ये गीज़र आपको कॉस्ट कर रहा है 5,717 रुपये। वैसे इसका जो प्राइस है 7,700 रुपये है, लेकिन करंट आज की तारीख का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसका करंट प्राइस देखना है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 ही गीज़र्स के लिंक दिए हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और इनके करंट प्राइस और इनके सारे फीचर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही वो सारे चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, बेस्ट गीजर की लिस्ट में हमने नंबर 2 पे लिया है लॉन्गवे डेकोरा। 7 लीटर में ये आता है और अमेजोन पे टॉप सेलर्स में इसका नाम आता है। काफ़ी यूनिक इसका डिज़ाइन है, एकदम फैंसी लुक में आता है। ग्लास फ्रंट आपको मिलता है और ग्लास फ्रंट से इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा शानदार बन जाता है। बस ये 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है और जो हमारा पैरामीटर है 2 ईयर की वारंटी का, वो मात खाता है इसके सामने। उसके अलावा सारे ही फीचर इसमें बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कॉपर हीट एक्सचेंजर देखने को मिल जाता है और उससे बहुत फास्ट तरीके से हीटिंग होती है और तुरंत आपको गर्मा गर्म पानी मिलने लग जाता है। पाउडर कोटेड मेटल बॉडी इसमें दी हुई है जो बहुत बढ़िया ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी अच्छी सस्टेन करती है और कहीं भी आपको कोरोजन के चांस नहीं मिलेंगे लंबे समय तक यूज़ करने के बाद भी। 5 सेफ्टी प्रोटेक्शन आपको इसमें दिए हुए हैं, तो सारे ही जो आपके प्रोटेक्शन हैं वो इसमें लग जाते हैं। अगर फ्लेम का प्रोटेक्शन हो, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन हो और थर्मोस्टेट कंट्रोल हो, वो सारा कुछ इसमें लग जाता है। ISO सर्टिफाइड है और ISI सर्टिफाइड है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। 6.5 बार प्रेशर में ही सस्टेन करता है, तो अगर आपकी बिल्डिंग हाई राइज है, ऊंचे माले की बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं तो भी ये गीज़र आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस गैस गीज़र की प्राइस रेंज के बारे में, तो वैसे तो ये 6,000 रुपये के लगभग कॉस्ट करता है, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है 3,899 रुपये चल रहा है और करंट प्राइस आपको आज की तारीख का अगर देखना है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, बेस्ट गैस गीजर की लिस्ट में हमने नंबर 3 पे लिया है बजाज का ड्यूटो। 6 लीटर मॉडल आता है।
काफ़ी दमदार मॉडल है, सारे ही फीचर सारे ही पैरामीटर पे काफ़ी खरा उतरता है। आप चाहें तो इसे नंबर 1 पे भी ले सकते हैं, नंबर 3 पे भी ले सकते हैं। वैसे तीनों ही गीज़र में कोई नंबरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सारे आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो आपको प्राइस सही लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। 2 साल की वारंटी के साथ में ये आपको मिलता है और इसका डिज़ाइन वाइट कलर और काफ़ी यूनिक दिखता है और बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, अमेजोन पे टॉप सेलर प्रोडक्ट्स में इसका नाम भी आता है। दोस्तों इसमें एडवांस कंबसन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, जिससे 84% थर्मल इफिशियंसी आपको मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। और 5 सेफ्टी प्रोटेक्शन इसमें भी मिलते हैं, ओवर हीटिंग का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इसमें मिलता है, ड्राई हीटिंग का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है, फ्लेम प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है, ऐसे सारे ही फीचर आपको इसमें सेफ्टी के मिल जाते हैं। ये भी 2 सोलेनोइड वॉल्व के साथ में आपको मिलता है, तो बिल्कुल सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉपर हीटिंग एक्सचेंजर इसमें भी आपको देखने को मिलता है, तो बहुत फास्ट और इफिशियंट हीटिंग आपको इसमें होने वाली है। जो इसके बर्नर हैं वो SS के आपको मिल जाते हैं। ऑक्सीजन डिप्लॉयमेंट सेंसर इसमें लगा हुआ है और ये सबसे खास बात है, और जो डर होता है एक ऑक्सीजन डिप्लॉयमेंट का, वो इसमें बिल्कुल कम हो जाता है। इनलेट वाटर लो सेंसर भी इसमें लगा हुआ है, तो अगर आपके टैप में पानी आना बंद हो चुका है और अगर फिर भी आप गीज़र ऑन करके रखे हैं, तो इसमें उसका भी सेंसर लगा हुआ है। अगर आप कम वाले की बिल्डिंग में रहते हैं, 2-4 मंजिल की बिल्डिंग में रहते हैं, तो 100% मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसे परचेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट हैं भी और आपको भी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। इसमें एक चीज़ जो है वो नहीं मेंशन की है, मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, जो प्रेशर सस्टेनेबिलिटी है इसकी, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो ये 8 kg प्रेशर, 8 bar प्रेशर सस्टेन करता है या नहीं, 6.5 bar प्रेशर सस्टेन करता है या नहीं, वो इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है, तो आपको कस्टमर केयर पे पूछना पड़ेगा अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो। लेकिन अगर आप कम वाले की बिल्डिंग में रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बात की जाए अगर इसकी प्राइस रेंज के बारे में, तो वैसे तो ये 8,500 rupees के लगभग लॉन्च हुआ था, लेकिन करेंटली इसका जो प्राइस है 5,300 rupees के लगभग है। और इसका एक्चुअल प्राइस अभी के टाइम में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम अगर आपको जानना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप इसके प्राइजेस चेक कर सकते हैं। और मुझे बताइए कि आप कौन सा गीज़र ले रहे हैं कमेंट करके। अगर ये वीडियो भी ज़रा भी पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी और मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।